नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसमें दिया है सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है, ए बुध, बी दिया है शुक्र, सी अरुण दिया है और डी दिया है पृथ्वी। तो इसमें जो सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है वो होता है शुक्र। क्या होता है दोस्तों? शुक्र। ओके, सौंदर्य किसे कहा जाता है? शुक्र को। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है नील द्वीप का नाम, सॉरी नील द्वीप का नया नाम क्या है? नील द्वीप का नया नाम, जो पुराना नाम था दोस्तों वो था तुम्हारा शहीद द्वीप। जो पहले जो नील द्वीप का नाम था वो क्या था? शहीद द्वीप, जो अभी चेंज होके हो गया है स्वराज द्वीप। क्या हो गया दोस्तों? स्वराज द्वीप। क्या हो गया है? स्वराज द्वीप। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है ये? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो है तुम्हारा 22 मार्च। क्या दोस्तों? 22 मार्च। क्वेश्चन का सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, क्या पूछा सर दोस्तों? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वी एन राव बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट, अखबारी कागज, रेशम, ताला। जो नेपाली नगर प्रसिद्ध है वो है तुम्हारा अखबारी कागज। क्वेश्चन वी, इसका आंसर है वी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? क्या पूछा इसमें? काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एशिया, ए वी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, बी। क्या दिया है? अफ्रीका बी। काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका बी को। किसको? अफ्रीका बी, बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहा जाता है? क्या पूछा इसमें? नहरों का देश, इसमें ए दिया है बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार और डी फिनलैंड। और इसमें पूछा है नहरों का देश, तो नहरों का देश कौन सा है? नहरों का देश है दोस्तों पाकिस्तान। ओके, नहरा बांग्लादेश, बांग्लादेश किसका है? बांग्लादेश है नदियों का देश, बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से, और फिनलैंड को झीलों का देश। ओके दोस्तों, फिनलैंड को किस नाम से जाता है? झीलों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश और बांग्लादेश को नदियों का देश। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसमें पूछा ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड कोयला, दुग्ध, बाढ़ नियंत्रण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, मतलब ए कोयला, बी दुग्ध, सी बाढ़ नियंत्रण और डी पीने योग्य पानी की व्यवस्था। तो इसका है आंसर वी, दुग्ध उत्पादन। जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दिया है वो क्या है? बी से, दुग्ध उत्पादन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? क्या पूछा जाए? टाइटन, टाइटन है दोस्तों शनि ग्रह। किसका है? शनि ग्रह का। और ये सबसे जो टाइटन ग्रह है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह मतलब उपग्रह है इसका। ठीक है दोस्तों, शनि क्या है? ग्रह है, तो इसका उपग्रह क्या है? टाइटन, और वो भी सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्या पूछा इसमें? आपातकालीन ग्रंथि, तो आपातकालीन ग्रंथि होती है तुम्हारी अधिव्रक, हिंदी में बोलते हैं अधिव्रक, अगर इंग्लिश
साइंटिफिक नेम देखें तो साइंटिफिक नेम होता है इसका एंड्रीनल ग्रंथि। क्या? एंड्रीनल ग्रंथि, सी दिया है इसका। क्या आंसर इसका? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट में कितना रक्त होता है? यूनिट जो पूछा है ना, यूनिट में कितना रक्त होता है? तो यूनिट में रक्त होता है तुम्हारा 450 ml। कितना? 450 ml, क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पचे हुए भोजन से ऊर्जा जो हमें मिलता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वगांगीकरण। क्या कहा जाता है? स्वगांगीकरण। हाँ, और जो हमारे मुंह में जब खाना रखा जाता है उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। और जो पचा हुआ भोजन में ऊर्जा हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, दांतों के का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन, तो दांतों का अध्ययन को क्या कहता है? दांतों का अध्ययन को कहते हैं दोस्तों ऑफियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो इसका आंसर आएगा सी, ओडोंटोलॉजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया पत्तों में, और उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है? उसमें तत्व होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? बी, मैग्नीशियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है? किसके अंदर? कोशिका होती है दोस्तों, कोशिका, तो कोशिका के अंदर किसका कार्य करता है? पाचन का, इस तरह से। ओके, कोशिका मान लो, उसके अंदर जो होता है पाचन का कार्य क्या करता है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम। क्या है? बी। क्या है इसका आंसर? लाइसोसोम, आंसर है बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस द्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा है? तो घोड़े की नाल किस तरह से होती है दोस्तों? इस तरह से, किस तरह से? घोड़े की नाल इस तरह से होती है। तो इसी तरह से एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है? उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप, सी। क्या नाम है दोस्तों? लक्षद्वीप। तो घोड़े की नाल की जैसे कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? एक नहर है जो सबसे व्यस्त रहती है, उसका नाम क्या है? कील नहर, इंदिरा गांधी नहर, स्वेज नहर या सादा नहर? तो उसका आंसर है ए, कील नहर। क्या दोस्तों? कील नहर। ओके दोस्तों, क्या है? कील नगर, ए, कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? क्या पूछा था? सुमेलित नहीं है राष्ट्रपति। देखो, सब पहला ए दिया, राष्ट्रपति के लिए दावेदार कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के दावेदार 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। तो इसमें क्या गलत है? मतलब उसमें पूछा सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है? तो उसमें सुमेलित क्या नहीं है? सुमेलित, तो इसमें राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति के लिए दावेदार कितना होता है? 35 वर्ष, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, बिल्कुल सही है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, लेकिन जो राज्यसभा के लिए होता है ना, वो गलत है। इसके लिए कितना होता है? 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यता के लिए कितने वर्ष होने चाहिए? 30 वर्ष के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, तब हम इसके दावेदार हो सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का उत्तम स्रोत जो विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है आम, आंवला, लहसुन, दूध। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है बी, आंवला। क्या दिया हुआ है? बी, आंवला। ओके दोस्तों, और अगर विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग तो वो क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ओके दोस्तों, ध्यान देखना, तो सी की उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली परावैगनिक किरणों से हो सकता है, क्या हो सकता है? यकृत कैंसर, त्वचा कैंसर, मुखीय कैंसर या मस्तिष्क कैंसर? तो इसका आंसर होगा बी, त्वचा कैंसर। क्या होगा? बी, त्वचा कैंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें दोस्तों। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी होती है, पृथ्वी में देशांतर रेखाएं होती हैं, उसमें उनके जो बीच की दूरी होती है उसको क्या क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गौरे, समय, पेटी, वेल्ट, काले। तो दोस्तों उसको कहा जाता है ए गौरे। क्या कहा जाता है दोस्तों? ए गौरे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है सर। दक्षिणी गोलार्ध, मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? 22 मार्च, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 22 जून? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? बी, इसका आंसर है बी, 22 दिसंबर। कौन सा? बी, 22 दिसंबर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? बृहस्पति, प्लूटो, चंद्रमा या मंगल? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, चंद्रमा। जो रात की रानी कहा जाता है वो कौन सा होता है? चंद्रमा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानता है? जो गंगा नदी बहती है वो जब बांग्लादेश में बहती है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बांग्लादेश में बोलते हैं पादमा, मेघना, डैन्यूब या बोलगा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानता था? उसको नाम से जानता ए पद्मा। किस नाम से? ए पद्मा नाम से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना, कौन सी डेट क्या दिया है इसमें? 20 फरवरी दिया है, 30 जून दिया है, 31 मई दिया है, 22 अप्रैल दिया है। जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस दिया है होता है वो मनाया जाता है सी, 31 मई। कौन सा? सी, 31 मई। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा जो लौंग उत्पादन देश है, एक देश है जो लौंग के क्षेत्र में सबसे अग्रण है, सबसे ज़्यादा अग्रण पैदा करता है, कौन सा देश है? उसका नाम है दोस्तों जंजीवार, गुआटेमाला, कनाडा या इंडोनेशिया? तो इसका आंसर होगा ए जंजीवार। क्या दोस्तों? ए जंजीवार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांग में, गर्दन में, भुजा में या जबड़े में? तो दोस्तों सबसे प्रबल मतलब सबसे मजबूत पूछा है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या अस्थि मतलब बोन कहाँ पाई जाती है? तो पता है अगर जांग की बात करें तो जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पे? जांग में। ओके दोस्तों, अगर सबसे छोटी पूछे तो कान में। ओके दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है? सब सर्वाधिक सर्वाधिक प्रबल प्रबल मतलब सबसे मजबूत, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ जांग में, गर्दन है, भुजा है, जबड़े। जो होता है वो क्या होता है? जबड़े की, कहाँ? जबड़े की सबसे प्रबल अस्थि होती है मतलब सबसे मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वो शरीर का कौन सा अंग है? प्लीहा, हृदय या यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए प्लीहा। क्या? ए प्लीहा। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वो है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन युक्त हार्मोन होती हैं, जो आयोडिक हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आयोडीन हार्मोन्स, एड्रिनेलिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स होते हैं उनको कहते हैं थायरोक्सिन। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन, सी दिया हुआ है। ओके दोस्तों, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, ईईजी का प्रयोग, ये प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है वो किसकी के लिए? फेफड़े के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ईईजी का प्रयोग किसकी गति दर्ज करने के लिए कहा जाता है? तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क, मतलब सी, किसके लिए? ईईजी का प्रयोग किसके लिए जाता है? मस्तिष्क के लिए। ओके दोस्तों, दोस्तों 30 क्वेश्चन हो गए, तो इससे आपको काफ़ी बेटर महसूस होगा, माइंड
एक्टिव हो जाएगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। देखते रहें दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।